नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम फाइनल ईयर, ईएएफएम पेपर सेकंड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर उसमें पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है, इनके बारे में लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो नया टॉपिक इसमें स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसका नाम है थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना के सिद्धांत। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे चार अप्रोच हैं या चार सिद्धांत हैं, वो कैपिटल स्ट्रक्चर के अपने को गिवन होते हैं। सबसे पहला इसमें आता है नेट इनकम अप्रोच, और सेकंड है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, थर्ड ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड फोर्थ मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच। इसे बुक्स में कई बार MM अप्रोच भी बोला जाता है। अब इसमें ये कम्प्लीटली आपके कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेवेंट थ्योरी मानी जाती है, और लास्ट वाली है ये रिलेवेंट है। बीच की ये दो थ्योरीज हैं, उन दोनों को इररिलेवेंट माना जाता है। यहाँ पे रिलेवेंट और इररिलेवेंट का मीनिंग ये आता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड करती है। ऐसे ही आपके ट्रेडिशनल अप्रोच, इसमें थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, ये इररेलेवेंट है। ट्रेडिशनल अप्रोच है वो भी रेलेवेंट मानी जाती है। इसका भी सेम मीनिंग आता है कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डायरेक्ट इम्पेक्ट आता है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड MM अप्रोच है, ये दो अप्रोच हैं, इनके अकॉर्डिंग आप कोई भी कैपिटल मिक्स रखो, डेब्ट इक्विटी का कोई भी मिक्स रखो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। आज जिस थ्योरी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेट इनकम अप्रोच थ्योरी या नेट इनकम अप्रोच है। ये प्रोफेसर डेविड ड्यूरेंट है, उन्होंने प्रपाउंड करा था। अब उसके बारे में इनका क्लियर कट ये कहना है कि आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में जितना ज़्यादा डेब्ट की अमाउंट होगी, वैल्यू ऑफ द फर्म उतनी ही ज़्यादा होती है, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होती जाती है। और जितना ज़्यादा आप इक्विटी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में रखते हैं, वैल्यू ऑफ द फर्म कम होती है एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतनी ही ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद में अगली थ्योरीज हैं, वो नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। अब नेट इनकम अप्रोच है वो कुछ अजम्पशंस को भी लेके चलता है। इट मीन्स इसके अंदर आपके टैक्स को कम्प्लीटली इग्नोर करा जाता है, यानी कोई भी फर्म है वो किसी भी टाइप का कॉरपोरेट टैक्स पे नहीं करता है। सेकंड, इसमें ये भी अज्यूम करा गया है कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल है वो हमेशा लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल होती है, और एक जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल अपने को स्टार्टिंग में गिवन होती है वो लास्ट तक अनचेंज्ड रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग एक आपका क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो अग्रवाल एंड अग्रवाल बुक है उसका अनसोल्व्ड क्वेश्चन नंबर 2 है। अब उसके अकॉर्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, फर्म की इनकम है या EBIT है वो आपको ₹1,00,000 गिवन है, यानी फर्म की आय है वो 1,00,000 रुपए है। फिर उसके बाद में फर्म में जो डेब्ट कैपिटल है वो ₹4,00,000 आपको क्वेश्चन में गिवन है। फिर KD यानी कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल वो आपको 10% दे रखा है। जैसे कि 4,00,000 रुपए आप मार्केट से डिबेंचर या लोन के रूप में लेते हैं तो आपको 10% ब्याज देना पड़ेगा, उसे यहाँ पे KD बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है वो भी आपको ऑलरेडी गिवन है, वो है 12.5%। अब इसके भी हाँ पे आपको वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। ये आपको एग्जिस्टिंग सिचुएशन दे रखी है। फिर इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो आता है उसके अकॉर्डिंग डेब्ट अमाउंट है या डेब्ट कैपिटल है वो 1,00,000 रुपए से इंक्रीज करना है, डेब्ट इंक्रीज्ड बाय ₹1,00,000, यानी पहले जो 4,00,000 रुपए डेब्ट कैपिटल थी अब वो बढ़कर के 5,00,000 रुपए हो जाएगी।
और ऑप्शन सेकंड जो आपको इसमें दे रखा है वो है डेट कैपिटल डिक्रीज्ड बाय रुपी 1 लाख, यानी 1 लाख रुपए से उसको कम कर दिया जाए, तो पहले जो 4 लाख था वो कम होकर के 3 लाख रुपए हो जाएगा। ये तीन सिचुएशन अपने पास में है, तीनों को एनालाइज करके देखते हैं कि कौन से में आपके वैल्यू ऑफ द फर्म हाईएस्ट आती है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाईएस्ट आती है। अब इसमें 2-3 फॉर्मूला होते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करना होता है, उसका फॉर्मूला एस प्लस डी होता है। वी यहाँ पर वैल्यू ऑफ द फर्म होता है, एस जो यहाँ पे है वो आपका मार्केट या आपके इक्विटी कैपिटल है उसकी कंप्लीट अमाउंट को बताता है, यानी इक्विटी कैपिटल है उसकी मार्केट वैल्यू को बताता है। डी है वो यहाँ पे डेब्ट कैपिटल होता है कि कितना टोटल आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट अमाउंट है। फिर उसके बाद में एक आपको इसमें कैलकुलेट करना होता है एस की वैल्यू, यानी यहाँ पे इक्विटी के अमाउंट अपने को गिवन नहीं है तो वो इसमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इक्विटी के अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे ई अपॉन के ई होता है। ई का मतलब यहाँ पे EBIT माइनस इंटरेस्ट, इसे आप EBT भी बोल सकते हो, अर्निंग बिफोर टैक्स, या फिर इसे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स भी बोला जा सकता है। और KE है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल होता है जो ऑलरेडी अपने को इसमें गिवन है। और एक लास्ट में आपको KO होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये इसमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, यानी EBIT जो स्टार्टिंग में अर्निंग गिवन है 1 लाख रुपीज की, उसमें वैल्यू ऑफ फर्म जो भी कैलकुलेट होगी तीनों ऑप्शन में अलग अलग उससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाता है। सबसे पहले आपकी कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर एग्जिस्टिंग प्लान, यानी जो वर्तमान का प्लान है यहाँ तक की इंफॉर्मेशन अपने पास में है उसमें अपने को ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपने को वैल्यू है वो इक्विटी की कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो इसमें S इज इक्वल्स टू, इसे आप EBT भी बोल सकते हैं, अपॉन KE। अब यहाँ पे EBIT माइनस इंटरेस्ट भी बोला जा सकता है इसको, तो EBIT के अमाउंट है वो 1 लाख रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन है, उसमें से इंटरेस्ट की अमाउंट है वो आपको लेस करनी है। इंटरेस्ट कितना होगा, KD 10% दे रखा है, 4 लाख रुपीज़ डेब्ट की अमाउंट है, तो 10% ऑफ रुपीज़ 4 लाख कितना हो गया, 40,000 रुपीज़ अपॉन KE 12.5%। अब 12.5% है तो मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा, रीजन बीइंग ये परसेंटेज में गिवन है। फर्दर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो 60,000 डिवाइड बाय 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100 ये आता है रुपीज 4,80,000, यानी इक्विटी की मार्केट वैल्यू है वो 4,80,000 रुपए कैलकुलेट होती है। अब उसके बाद में कैलकुलेट कर लो वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है, एस प्लस डी। एस मीन्स यहाँ पे इक्विटी की अमाउंट 4,80,000 रुपये और इसमें ऐड कर दिया जाएगा डेब्ट की अमाउंट 4 लाख रुपीज़, इन दोनों का टोटल 8,80,000 रुपीज़ आता है। अब अपने पास में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई, वैल्यू ऑफ फर्म आ गई और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल भी कैलकुलेट कर लिया। फाइनली ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कैलकुलेट करना है। अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय 100। EBIT क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज आपको गिवन है, वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पे कैलकुलेट करा 8,80,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100। ये करने के बाद में जो आंसर आता है वो आता है 11.36%, यानी एग्जिस्टिंग प्लान है
उसमें वैल्यू ऑफ फर्म है वो 8,80,000 रुपये और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 11.36% आता है। अब ऑप्शन वन पे जाते हैं, इसी में यहीं पे करके बता देता हूं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है आपका कि डेट कैपिटल है उसकी अमाउंट है वो 1,00,000 रुपीज से इंक्रीज हो जाती है। 1,00,000 रुपीज से इंक्रीज होने का मीनिंग जो पहले 4,00,000 था अब वो 5,00,000 हो गया, तो बाकी सारी कैलकुलेशन आपकी एज इट इज रहेंगी। जैसे इसमें भी अपने को इसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है। अब जब डेब्ट की अमाउंट बढ़ के 5,00,000 रुपए हो जाती है तो 10% इंटरेस्ट है वो भी 5,00,000 रुपए पे लगेगा। या फिर इसे एक टेबुलर फॉर्म में बताता हूं। ऑप्शन फर्स्ट है उसमें ईबीआईटी गिवन है 1,00,000 रुपीज। अब ईबीआईटी में से हमेशा लेस होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डेब्ट कैपिटल पे होता है। ऑप्शन वन में डेब्ट कैपिटल 1,00,000 रुपीज से इंक्रीज हो रही है तो 4,00,000 प्लस 1,00,000 5,00,000 रुपीज। अब इसका 10% कितना हो गया 50,000 रुपीज। ये लेस करने के बाद 50,000 रुपीज रह जाते हैं। इसे आप ईबीटी बोल सकते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स या टैक्स वगैरह नहीं लगते हैं तो ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स भी हो जाता है। अब इसमें फर्दर आपकी कैलकुलेशन वही इक्विटी की अमाउंट है वो आपको कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला आपका ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट या ई अपॉन के ई या ईबीटी अपॉन के ई हो जाता है। ईबीटी 50,000 रुपीज है इसमें और के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल अगेन 12.5% मल्टीप्लाई बाय 100। अब 50,000 को डिवाइड करना है 12.5 से और मल्टीप्लाई करना है 100 से, ये अमाउंट आ रही है 4,00,000 रुपीज। 4,00,000 रुपीज आ गई। अगेन आपको वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है फिर रिपीट कर देता हूं, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट कैपिटल। यहां पे इक्विटी कैपिटल है वो 4,00,000 रुपीज है और डेब्ट कैपिटल है ऑप्शन वन में 1,00,000 से इंक्रीज हो रही है तो 4+1 5,00,000 रुपीज, ये आ गया टोटल 9,00,000 रुपीज। 9,00,000 रुपीज आ गया। उसके बाद में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म 1,00,000 डिवाइड बाय 9,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आता है 11.11%। अब देखो एक चीज यहां पे प्रूव हो रही है, डेविड ड्यूरेंट के अकॉर्डिंग इस अप्रोच में आप डेब्ट की कैपिटल इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होता है एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज होता है। और अपने एग्जिस्टिंग प्लान में वैल्यू ऑफ फर्म है वो 8,80,000 था, अब डेब्ट कैपिटल बढ़ा दिया तो वैल्यू ऑफ फर्म 9,00,000 रुपीज हो गया। पहले ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11.36% थी, अब वो डिक्रीज होकर 11.11% रह गई है। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन पे आने पे डेब्ट की अमाउंट है उसको डिक्रीज करा जाता है 1,00,000 रुपीज से। अगेन वही टेबल बना लेता हूं, ईबीआईटी सेम रहेगा 1,00,000 रुपीज। अब इसमें से आपको लेस करना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है वो 10% ऑफ डेब्ट कैपिटल होता है। ऑप्शन सेकंड में 1,00,000 रुपीज से डेब्ट कैपिटल डिक्रीज हो रही है, पहले जो 4,00,000 थी अब वो 3,00,000 रुपए रह जाएगी। 3,00,000 का 10% निकालते हैं तो वो 30,000 रुपीज 30,000 रुपए आता है। 70,000 क्या रह गया यहाँ पर, ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल और उसका फॉर्मूला ईबीटी अपॉन के ई हो जाता है। ईबीटी यहाँ पे 70,000 रुपीज है, के ई अनचेंज्ड रहता है यानी 12.5% है, मल्टीप्लाई बाय 100। 70,000 को 12.5 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये अमाउंट आ रही है 5,60,000 रुपीज। यानी आपने डेब्ट कैपिटल कम करा तो इक्विटी कैपिटल इंक्रीज होके 5,60,000 रुपीज हो जाता है। अब वही आपको वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करना है, ये
वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट होता है। इक्विटी की वैल्यू 5,60,000 रुपीज है और डेप्ट की वैल्यू 4 लाख पहले थी, 1 लाख से कम हो रही है, अब 3 लाख रुपीज रह जाएगी। यानी वैल्यू ऑफ द फर्म है वो डिक्रीज होकर 8,60,000 रुपीज रह जाती है। और फिर आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला EBIT जो अनचेंज्ड है 1 लाख रुपीज डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म 8,60,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आता है 11.63%। यानी फिर से इनकी जो स्टार्टिंग में इनका स्टेटमेंट था वो वापस से प्रूव हो रहा है, जब आप डेब्ट के अमाउंट को कम करते हैं तो वैल्यू ऑफ द फर्म कम हो जाती है। ऑप्शन वन में जो वैल्यू ऑफ द फर्म 8,80,000 थी वो अब कम होकर 8,60,000 रुपीज रह जाती है। फिर दूसरा, इन्होंने ये कहा था कि अगर आप इक्विटी के अमाउंट ज़्यादा रखते हैं तो उस केस में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाती है। जो अपने एग्जिस्टिंग प्लान में 11.37% था, अब वो इंक्रीज होकर 11.63% रह जाता है। तो इनका जो स्टेटमेंट था वो आपका एज इट इज इन तीन ऑप्शंस से प्रूव हो जाता है। अगेन रिपीट कर देता हूँ, इनके अकॉर्डिंग आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में जितनी ज़्यादा डेब्ट की अमाउंट होगी वैल्यू ऑफ द फर्म उतनी ज़्यादा होगी और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतनी ही कम होती है, और जितनी ज़्यादा अमाउंट इक्विटी की होती है वैल्यू ऑफ द फर्म उतना ही कम होता है एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतनी ही ज़्यादा होती जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद में डिफरेंट क्वेश्चंस आपको बुक में दे रखें, एक बार सोल्व करके देखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।